हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो विंडो होती है उस विंडो का बैकग्राउंड कलर कैसे हम चेंज करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है विंडो का वो वाइट बैकग्राउंड होता है। जैसे आप यहाँ पर हमने दिस पीसी ओपन किया है तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है वाइट। तो हम इस वाइट बैकग्राउंड कलर को कैसे हम डार्क या ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कलर्स, इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चूज़ योर कलर, तो यहाँ पर पहले से ही लाइट कलर सिलेक्ट है इसलिए जो विंडो का कलर है वो लाइट आ रहा है। तो हम यहाँ कलर चेंज कर लेंगे, डार्क इसे सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कस्टम भी बना सकते हैं। तो डार्क इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए विंडो का बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क हो चुका है। तो अब हम फिर से दिस पीसी ओपन करते हैं, वहाँ पर देखते हैं डार्क कलर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसे ओपन कर लेंगे तो ये देखिए सक्सेसफुली इसका बैकग्राउंड डार्क में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो भी फाइल ओपन करेंगे वो डार्क बैकग्राउंड के साथ ओपन होगी। तो इस प्रकार हम विंडो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं वाइट या डार्क में।